हेलो फ्रेंड, मैं आकाश। वेलकम टू प्लांट केयर कीपर। आज मैं अपने गार्डन का एक व्लॉग वीडियो लेकर आया हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है डहलिया के फ्लावर। मैंने इसकी सैपलिंग ख़रीदा था, गड्डी वाले प्लांट। तो प्लांट तो देख सकते हैं ग्रोथ प्लांट की ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। सभी प्लांट जितने भी मैंने परचेस किए थे, सभी में सके छोटे छोटे फ्लावर अलग अलग कलर में खिल रहे हैं। फ़िलहाल तो अभी ये प्लांट छोटे हैं, लेकिन ये गर्मियों में भी ग्रोथ करते रहेंगे। फ्लावरिंग नहीं करेंगे, लेकिन ये बढ़ता रहेगा प्लांट, और अगले सीज़न आने तक ये प्लांट काफ़ी अच्छे हो जाएंगे और इनकी मैं कटिंग भी लगा पाऊँगा। इसीलिए मैंने इन प्लांट को परचेस किया था। और ये है स्वीट एलाइसम के प्लांट। फ़िलहाल तो अब जितने भी प्लांट मैंने इसके परचेस किए थे, गड्डी वाले प्लांट, सभी में इस तरह से फ्लावरिंग होने लगी है, और समय समय पर मैंने आपको दिखाया भी है। एक ही कलर में मैंने ये परचेज़ किया था। और ये है एस्टर के। इसके भी मैंने जितने सैपलिंग ख़रीदे थे, सभी में इसके छोटे छोटे फ्लावर आने लगे हैं। काफ़ी सारे कलर में ये हो मिल रहे हैं, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बिज़ी था और इसीलिए मैं वीडियो इतने दिनों से अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मैंने छोटा सा ये वीडियो शूट किया है। और ये देख सकते हैं ये नेस्टेशियम, इसमें भी अब फ्लावरिंग होने लगी है। और ये भी मैंने गड्डी वाले प्लांट में ही परचेस किया था। इन्हें हमारे यहाँ गड्डी वाले प्लांट 20 रुपीज़ में मिल जाते हैं, और एक गड्डी में लगभग 60 से 70 प्लांट होते हैं। तो इस हिसाब से एक प्लांट का प्राइस 1 रुपये से भी कम पड़ता है, इसीलिए मैं गड्डी वाले प्लांट ही परचेस करता हूँ। लेकिन अब आप हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, इसलिए अगर आप गड्डी वाले प्लांट परचेस करना चाहते हैं, तो आप इस साल मत परचेस करिएगा। अब आप अगले साल ही उन्हें परचेस करिएगा। अब आप समर प्लांट परचेस करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो देख सकते हैं ये भी डहलिया है का ही प्लांट है, और इस पर भी देख सकते हैं इस तरह की छोटी छोटी कलियां लगी हुई हैं। तो इस तरह से जितने भी मैंने गड्डी वाले प्लांट परचेस किए थे, अब सभी में ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। और कुछ में देख सकते हैं, जैसे कि ये कैलेंडुला, इस पर तो काफ़ी महीनों से ब्लूमिंग हो रही, क्योंकि ये प्लांट मैंने सबसे पहले परचेज़ किए थे, ये मैरीगोल्ड। इसके अलावा ये देख सकते हैं गैलाडिया, इसे मैंने काफ़ी साल पहले ऐड किया था, और सीड इसके गिरते रहते हैं, और कंटेनर में ये प्लांट खुद ब खुद ग्रो होता रहता है, और पूरे साल ये ब्लूमिंग करता रहता है। इसलिए गैलाडिया प्लांट आपको कहीं पर मिले तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। और फ्लावर भी देख सकते हैं काफ़ी सारे कलर में आते हैं, कुछ सिंगल पेटल होते हैं और कुछ हिस्सा से मल्टी पेटल होते हैं। इसके अलावा इस टाइम इस तरह के जो एलोवेरा प्लांट हैं, इस पर भी इस तरह से काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। आपके एलोवेरा प्लांट पर इस तरह के फ्लावर खिल रहे हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी सारे इनमें फ्लावर खिले हुए हैं। वैसे ये ज़मीन पर लगा हुआ है, इसीलिए इतनी बढ़िया ब्लूमिंग इस पर हो रही है। और ये मेरा रिच कॉर्ड का प्लांट है, काफ़ी पुराना था, और देख सकते हैं अभी भी इस पर इस तरह के रिच कॉर्ड लगे हुए हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं इसे हटा दूँ, क्योंकि अब इस पर जो रिच कॉर्ड लगते हैं वो वैसे भी हमारे यहाँ खाए नहीं जाते हैं, तो इसका लगाने का कोई फ़ायदा होता नहीं है इसीलिए। और तो और ये प्लांट भी अब ख़राब होने लगा है, इस पर कीड़ों का भी अटैक होने लगा है। तो इससे पहले कि सारा कीड़े जो हैं वो मेरे सभी प्लांट पर फैल जाए, इसीलिए मैं इस प्लांट को हटा रहा हूँ, ताकि कीड़ों का अटैक मेरे पूरे गार्डन पर ना हो। तो इस तरह के जो सब्जी वाले प्लांट होते हैं जिन पर कीड़ों का अटैक होने लगता है, तो उन्हें समय रहते इस तरह से हटा देना चाहिए। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा प्लांट था, क्योंकि मैंने इसे ज़मीन पर ग्रो किया था और इसे मैं अपनी छत तक मैं लेकर आया था। इस पर अभी भी इस तरह के रिजॉर्ट लगे हुए हैं, लेकिन मैं इन्हें प्लांट से तोड़कर इनके छोटे छोटे पीस करके मैंने जो हमारे घर के बाहर कुछ जानवर आते हैं उनको मैंने डाल दिया था, तो उन्होंने इसे खा लिया था। मैंने इसे फेंका बिल्कुल भी नहीं था। और बात करें प्लांट की, तो प्लांट को मैंने छोटे छोटे पीस करके, आप चाहे तो बोरियों में भर कर इसकी खाद भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो बोरियों में प्लांट को भर दीजिए, ऊपर थोड़ी मिट्टी डालिए और प्लांट ग्रो कर लीजिए। ऊपर प्लांट ग्रो करता होता रहेगा और नीचे खाद बनती रहेगी।
इसके अलावा अगर आप फ्री की खाद अपने प्लांट को देना चाहते हैं तो आप अनियन पीर फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। छिलकों को इस तरह से लीजिए और किसी भी ग्लास में डाल दीजिए। एक दिन का वेट करिए और दूसरे दिन छान कर आप प्लांट में इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्री के फर्टिलाइज़र एक तो फ्री के होते हैं, दूसरा इनका रिज़ल्ट भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, प्लांट पर इसका कोई नुकसान भी नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्री के फर्टिलाइज़र आप बनाना पील का यूज़ करके भी बना सकते हैं। तो ग्लास में इस तरह से पानी लीजिए, केले का छिलका लीजिए, उसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से काट लीजिए और इस तरह से इसमें डाल दीजिए। 24 घंटे के लिए इसका भी वेट करिए और दूसरे दिन इसको भी आप छान कर प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के जो फ्री के फर्टिलाइज़र होते हैं वो फ्री के भी होते हैं और इनका रिज़ल्ट भी बढ़िया देखने को मिलता है। तो इस तरह के फ्री के फर्टिलाइज़र आप भी बनाया करिए और देख सकते हैं एक दिन हो चुका है, 24 घंटे इसको हो चुके हैं और आज मैं इसे छान कर यूज़ करने वाला हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे छान लिया है और इसे मैं इस तरह से डायरेक्ट नहीं यूज़ करूँगा, इसमें मैं पानी ज़रूर मिलाऊँगा। जितना ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बना है उससे 2 गुना या 3 गुना मैं पानी मिलाकर इससे अपने प्लांट पर यूज़ करने वाला हूँ। विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट विंटर में काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और इसके अलावा इस तरह के जो छिलके हैं इसे भी मैं फेंक नहीं रहा हूँ, इसे मैं, और देख सकते हैं ये कॉर्न प्लांट है, इस पर भी इस तरह से ब्लूमिंग होने लगी है। और इस छिलके को मैं इस कंटेनर में ही यूज़ करने वाला हूँ। इस तरह से गड्ढा बनाकर मैं इसमें डाल दूँगा और ऊपर से इसे कवर कर दूँगा इस तरह से। तो इस तरह से आप केले का छिलके का भी यूज़ कर सकते हैं और इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिले तो आप इसे रिपीट करिएगा। तो इस तरह से कवर कर दीजिए और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप प्लांट को पानी डालते हैं डालते रहिए, इसका भी आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं इस कंटेनर में मैंने काफ़ी सारे प्लांट ग्रो किए थे। और अब आते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि मैंने बनाना पी से बनाया, तो इसे भी कुछ पानी में आप इस तरह से मिला लीजिए और इसके बाद आप इसे अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो ज़्यादा पानी भी मिला सकते हैं। तो इस तरह से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो चुका है और अब आप इसे किसी भी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं फ़िलहाल इस कैलेंडुला प्लांट पर डालने वाला हूँ। तो देख सकते हैं इस पर सीड बनने का भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इसे भी मैंने गड्डी वाले प्लांट में ही परचेस किया था। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं खासकर देसी वेराइटी के, वो फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद सीड भी बनाते हैं और इन्हें हमें हर साल परचेस भी नहीं करना पड़ता है, एक बार ही आप इसे परचेस करिए और इनके सीड कलेक्ट करके रख लीजिए। नेक्स्ट सीजन में इन्हें आप अपने गार्डन के सीड से ग्रो करिए और अगर आप इन्हें ज़मीन पर ग्रो करते हैं तो आपको और भी बढ़िया रिज़ल्ट देखने को मिलता है, सीड की जो क्वालिटी होती है वो और भी बढ़िया होती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।